किसला जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरे आवाज, ये को जो आवाज उठाई जा रही है योजना के तहत, योजना के विरोध में, ये आप समझा नहीं पा रहे हैं इस योजना को, या फिर जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं? सबसे पहले थोड़ा 2 मिनट धैर्य सुनेंगे सारे ऑडियंस, हमारे जितने पैनल में लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ जी। सबसे पहली बात, ये अग्निवीर योजना सेना में जाना ये कोई नौकरी का है, ये देश सेवा है, देश सेवा के लिए लोग सेना में जाते हैं, पहला। दूसरा, पहले भी शॉर्ट टर्म कमीशन हुआ करते थे, 5 साल का था, हमारे यहाँ 4 साल का हुआ, इसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप कल्पना कीजिए 17.5 साल की आयु में जो व्यक्ति अभी जो युवा ऐसे चलते है एग्जाम की तैयारियां कर रहा होता है, यदि उसको नौकरी मिल जाती है और 21 साल के बाद 21.5 साल का जब घर को वापस लौटता है, उसके पास देश का सबसे बड़ा संस्था का एक सर्टिफिकेट है, एक अनुशासन है, एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ उसके पास 11 से 12 लाख रुपए का गैस पैसा है, 10,40,000। यदि यदि वो चाहता है तो अपनी तैयारी, आपको पता होगा बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, भारत में नौकरी करने की जो सबसे अधिकतम 27 साल की उम्र तक, यानी 21 साल में भी जो युवा लौटेगा तो उसको 6 साल का तैयारी करने का एक बहुत बड़ा समय मिलेगा, मैट्रिक के बाद जा सकता है, पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्री जी ने क्या कहा, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि हम ऐसे अग्निवीरों को जब वो नौकरी से वापस लौटेंगे तो हम उनको अपने यहाँ अपने गृह मंत्रालय में, असम राइफल्स में और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% उनको आरक्षण देंगे। दूसरा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनको आरक्षण मिलेगा 25%, यानी हर एक 4 में से एक परमानेंट कमीशन हो जाएगा हमारे आर्मी में। ये आर्मी है, ये भारत की आर्मी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर, जो भी निर्णय करती है बहुत समय से निर्णय करती है, बहुत ईमानदारी से निर्णय करती है।